केंद्र सरकार का कोई भी एग्जाम हो रहा है सर, इसमें अगर पेपर लीक हो रहा है तो बहुत बड़ा ये सर कहीं ना कहीं बड़े बड़े आदमी का हाथ है इसमें। अगर केंद्र सरकार की पेपर लीक हो रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है, और इसका अच्छा से जांच होना चाहिए सर, और अच्छा से हम लोग स्टूडेंट के साथ इंसाफ होना चाहिए। हम लोग का कोई आवाज़ सुनता ही नहीं, कोई समझता ही नहीं हम लोग की बातों का। कितना भी करते हैं, कितना भी प्रदर्शन कर ले, कोई भी रिक्वेस्ट कितना भी कर ले, हम लोग का आवाज़ कोई सुनने वाला है ही नहीं। से भी इसका सबका भरोसा उठ रहा है, क्योंकि इतना मेहनत करके दिन रात एक करके बच्चे पढ़ते हैं, पर जो पढ़ने वाले होते हैं उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो पैसे वाले होते हैं उसका रिजल्ट आ रहा है, इसमें गरीब की बच्ची की क्या होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि NTA जो है वो किसी भी परिस्थिति में अब इतने बड़े स्तर पर इतने बड़े परीक्षा के आयोजन करने लायक नहीं रही है। अगर NTA में थोड़ी सी भी NTA के अधिकारियों में थोड़ी सी भी शर्म हुआ है तो सबसे पहले नीट को कैंसिल करें, और नीट को भी कैंसिल करें, क्योंकि जिस तरह के नेट और JRF में घटना हुई थी उससे भयावह घटना आपको नीट में हुई है। नीट अभी कैंसिल नहीं हुआ है, उसको नीट कैंसिल कर देना चाहिए। नीट 2024 पेपर लीक मामले में जांच अभी चल ही रही है, और अब NTA द्वारा आयोजित UGC नेट 2024 परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। एक के बाद एक NTA द्वारा आयोजित परीक्षाएं सवालों के घेरे में आ रही हैं। इससे अभ्यर्थियों में काफी गुस्सा और निराशा है। सोशल मीडिया पर लोग मीम के जरिए NTA पर गुस्सा निकाल रहे हैं। वहीं पटना के एजुकेशन हब में रहने वाले स्टूडेंट्स अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। आइए जानते हैं UGC नेट परीक्षा रद्द करने पर क्या बोले रहमान सर और नीट के अभ्यर्थी। बच्चों का मनोबल डाउन हो रहा है, बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे, क्या करेंगे हम। आखिर 2 साल या 1.5 साल जो भी मेहनत कर रहे हैं, मेरे माँ बाप कहाँ से पैसा दे रहे हैं तो हम समझते हैं। उसके बावजूद अगर पेपर लीक होता है तो मेरा उम्मीद टूटा, प्लस मेरे माँ बाप का उम्मीद टूटा, सबका उम्मीद टूट रहा है। आदमी एक बार पेपर लीक होगा तो उस पर प्रयास कर सकता है, लेकिन अगर बार बार वही होगा तो फिर हतोत्साहित तो होना स्वाभाविक है। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि इसमें NTA NTE का सामने नाम सामने आ रहा है, लेकिन 1994 से पाठबंध में पढ़ा रहा हूँ, और हर बार हर परीक्षा में किसी न किसी प्रकार की धांधली होती रही थी। पहले चूंकि इतना आपको संचार माध्यम इतना मजबूत नहीं था कि लोगों को पता चल सके, लेकिन अब इतना मजबूत हो गया है संचार माध्यम की जो गलती होती है वो सामने पता चल जाता है। तो नीट के क्वेश्चन भी पहले आउट हो रहे थे, और पहली बार आपको स्पष्ट रूप से नेट और JRF का भी क्वेश्चन आउट हुआ और उसको कैंसिल कर दिया गया। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि NTA जो है वो किसी भी परिस्थिति में अब इतने बड़े स्तर पर इतने बड़े परीक्षा के आयोजन करने लायक नहीं रही है। अगर NTA में थोड़ी सी भी NTA के अधिकारियों में थोड़ी सी भी शर्म हुआ है तो सबसे पहले नीट को कैंसिल करें, और नीट को भी कैंसिल करें, क्योंकि जिस तरह के नेट और JRF में घटना हुई थी उससे भयावह घटना आपको नीट में हुई है। नीट अभी कैंसिल नहीं हुआ है, उसको नीट कैंसिल कर देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री बिहार से मेरा विशेष अनुरोध है उन चोरों पर, क्योंकि यहीं पर के हैं, आसपास के ही हैं, और जिन्होंने बिहार का नाम बर्बाद करके रख दिया, हजारों बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ किया है, उनको कठोर से कठोर सजा सजा का प्रावधान किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री ने जो लोकसभा से बिल पास किया था कि 1 करोड़ का जुर्माना और 10 वर्ष की सजा, इसको और कठिनाई के साथ अब लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि NTA के बारे में स्पष्ट हो गया कि NTA किसी भी तरह का कोई भी परीक्षा ले रहा है तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं दाग है, और इसके लिए NTA उत्तरदायी है। ये बहुत गलत हो रहा है, और सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दिन रात तैयारी करके लोग जाता है एक परीक्षा देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, और मेहनत वाला बच्चा सेलेक्ट नहीं हो रहा है, और 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया दे करके पेपर लीक करवा के और एक दिन में उसका सफलता का राज सफल हो जा रहा है, और बाकी 1-2 साल मेहनत कर रहा है वो असफल हो रहा है। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और कुछ करना चाहिए। इससे भी इसका सबका भरोसा उठ रहा है, क्योंकि इतना मेहनत करके दिन रात एक करके बच्चे पढ़ते हैं, पर जो पढ़ने वाले होते हैं उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो पैसे वाले होते हैं उसका रिजल्ट आ रहा है, इसमें गरीब की बच्ची की क्या होगा। कह नहीं सकते, जैसा अभी तक माहौल देखा जा रहा है वो हर एग्ज़ाम का पेपर लीक हो रहा है, हर स्टूडेंट हमको डर लग रहा है कि प्रिपरेशन करे कि ना करे। नहीं, विद्यार्थियों को अपने आप पर भरोसा रख करके तैयारी को जारी रखना चाहिए, और गवर्नमेंट को ऐसा मानना है कि बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि लगातार देखा जा रहा है कि हर परीक्षा का यही हाल हो रहा है कि दिन प्रतिदिन
परीक्षा कठिन भी होते जा रहा है और ऐसा हो रहा है कि विद्यार्थी इतना मेहनत करने के बाद भी असफल हो जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी देखने को मुद्दा है, तो इसके लिए सरकार को बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। बार बार पेपर लीक हो रहा है और सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो सवाल तो उठेगा, यहाँ स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं और कुछ नहीं हो रहा है। संभव है सर, देखिए केंद्र सरकार का कोई भी एग्जाम हो रहा है सर, इसमें अगर पेपर लीक हो रहा है तो बहुत बड़ा ये सर कहीं ना कहीं बड़े बड़े आदमी का हाथ है इसमें। अगर केंद्र सरकार की पेपर लीक हो रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है, और इसका अच्छा से जांच होना चाहिए सर, और अच्छा से हम लोग स्टूडेंट के साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन हम लोग मिडिल फैमिली से आते हैं और बहुत दिक्कत से हम लोग तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, एक तो गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं देते हैं, अगर वैकेंसी देते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है, कभी पेपर लीक तो कभी रिजल्ट में धांधली, कभी कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं। इसको अच्छा तरीक़ा से कराना चाहिए और हम लोग को जो स्टूडेंट का जो दिक्कत है उसको समझना चाहिए गवर्नमेंट को। तो क्या है कि हम लोग का कोई आवाज़ सुनता ही नहीं, कोई समझता ही नहीं हम लोग की बातों को, कितना भी कहते हैं, कितना भी प्रदर्शन कर ले, कोई भी रिक्वेस्ट कितना भी कर ले, हम लोग का आवाज़ कोई सुनने वाला है ही नहीं, कर भी कह सकते। जी सर, बहुत दुख होता है, क्या करें, हम लोग भी एग्ज़ाम दे के आए थे और आते हैं रास्ता में आते ही पता चला कि एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया, क्या करें, बहुत टूट जाते हैं अंदर से सर, बहुत। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि पता नहीं क्या से क्या दिमाग में बहुत चीज़ आते रहते हैं, क्या ही बोले, कभी कभी ऐसा लगता है कि सर क्या ही बोले, जब मम्मी पापा की याद आता है ना सर तो होता है, बहुत दर्द होता है सर, फिर भी टूट जाते हैं, फिर भी मम्मी पापा भरोसा देते हैं, फिर भी तैयारी करते हैं, एक साल दो साल तीन साल तैयारी करते हैं। मिडिल फैमिली से कितना दिन तक पढ़ाएंगे, एक दो साल चार साल, उससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ा पाएंगे सर, फिर भी पेपर लीक होता है, तो कभी रिजल्ट में धांधली होता है, कभी मेरिट में धांधली होता है, कुछ ना कुछ होते ही रहता है। लोकल 18 के लिए पटना से सच्चिदानंद की रिपोर्ट।